और बात करें सिलेबस की, इतनी वीडियोस बन रही हैं यार। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, देर आर मैनी मैनी न्यूज़ कमिंग अप जो सही है सही नहीं है, एक ट्रेंड बना हुआ है। मैं दूसरे बंदों को भी देख रहा हूँ, दूसरी न्यूज़ जो आर्टिकल्स बनाते हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर मैं देख के चल रहा हूँ। काफ़ी सारी न्यूज़ बन रही हैं रिगार्डिंग CBSE के जो रिजल्ट्स हैं, टर्म वन के रिजल्ट का क्या होगा, टर्म टू की जो डेट शीट्स हैं उसके रिगार्डिंग क्या होने वाला है, क्या ये सही है क्या ये गलत है। इस वीडियो में मैं आज सारी चीजें आप लोगों को बता के चलूंगा, तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। तो बच्चों, ऐसी ऐसी न्यूज आ रही हैं एंड इट्स वेरी सैड टू सी, और मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार प्लीज ऐसी न्यूज मत बनाइए जो ऑफिशियल ना हो, जो नॉन ऑफिशियल हो। CBSE की वेबसाइट्स पे देख रहे हैं तो वहां पे भी नहीं है, सर मिल कहां रही है। मैंने आप लोगों को बच्चों पहले भी चीज बोली थी कि अगर कोई भी न्यूज आपको पता लगती है, जस्ट चेक विद द CBSE वेबसाइट, जैसे कि हम सब करते हैं। जैसे आपको पता है कि शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल वाले भी, हम भी आप लोगों को न्यूज दिखा के चलते हैं, बट द मेन थिंग यू कैन रिलाई अपॉन इज दैट जो भी न्यूज आती है यू कैन चेक इट आउट ऑन CBSE की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। तभी हम, अब जब हम आपको न्यूज बताते हैं तो साइड बाय साइड CBSE के जो पोर्टल से उठाई गई चीज है वो हम आपको एज अ पिक्चर में शो करके चलते हैं। तो यही चीज CBSE वालों ने भी समझी कि बहुत सारी फेक न्यूज आ रही है। देखो, बच्चा पहले से ही परेशान है रिजल्ट्स की टेंशन को लेके है, एंड हम जितने भी, आई विल नॉट टेक द नेम, कईयों को मैं देख रहा हूं जस्ट फॉर द व्यूज। बच्चों, जस्ट फॉर द व्यूज दे आर प्लेइंग विद यू ऑल। एक दिन में चार चार पांच पांच छह छह वीडियोस बना रहे हैं, वेबसाइट्स पे जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, छह छह दस दस आर्टिकल्स आ रहे हैं कि आज ये रिजल्ट आ गया, आज ये रिजल्ट आ गया। और देखा जाए, पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर, मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि थोड़ा सा इसमें हम लोगों को स्मार्टनेस दिखानी है। कोई भी इंफॉर्मेशन होके चलती है वो आप CBSE की वेबसाइट पे जाके देखिए, जैसे कि हम करते हैं। हम पहले CBSE की वेबसाइट पे देखते हैं, एक नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहा होता है, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, ताकि अगर आपको कोई रेफरेंस भी चाहिए उसके लिए मैं लिंक डाल देता हूं CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट का रिगार्डिंग दैट इंफॉर्मेशन। तो भैया, CBSE वालों की तरफ से अभी लेटेस्ट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि भैया मिसलीडिंग न्यूज, एक तरीके की ये जो र्यूमर्स फैले हुए हैं इनसे बचो। सिर्फ और सिर्फ, आई विल अगेन यूज दैट वर्ड, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, एंड इट्स वेरी सैड टू सी। और उससे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, जो चीज सही है वही चीज बताइए। टर्म वन की सर रिजल्ट कब आने वाला? अरे भैया, टर्म वन का रिजल्ट जब आपको मैंने बोल दिया, CBSE वालों ने बोला कि 15 जनवरी तक आ जाएगा, और उस दिन मैंने आप लोगों को इमेज भी शो करी थी, स्क्रीन पे एक इमेज बनी आ रही होगी। इस वीडियो में हमने आपको सारा विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रॉम CBSE सारी चीजें आप लोगों को बताई थी। अभी पहले रिजल्ट आने दो, उसके बाद टर्म टू की डेट शीट का टेंशन लेना। अभी कोई डेट शीट कुछ भी नहीं आने वाला, अभी पहले तैयारी तो करो टर्म टू की, अच्छे से पढ़ाई तो करो। ये लोग क्या कर रहे हैं मैं बताता हूं, ये लोग आप लोगों के माइंड के साथ खेल रहे हैं, आप लोगों को तंग कर रहे हैं। और इनको बढ़ावा पता कैसे मिल रहा है? इनको बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि हम लोग इनको देख रहे हैं, इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक बोल रहा है, कल ये होगा, और वो कल होता नहीं है। तब हम लोग इस चीज पर रिएक्ट नहीं करते कि भाई तूने कहा था कल ये होगा, हुआ तो है नहीं, ये फेक न्यूज होती है। तो CBSE वालों ने भी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पास ऑन किया है कि नहीं भैया, इन चीजों से दूर रहना आप लोगों को। और बात करें सिलेबस की, इतनी वीडियोस बन रही हैं यार, यू कैन चेक विद अस, हमने कोई सिलेबस के रिगार्डिंग इन 6-7 दिनों में बड़ी 20-30 वीडियोस बनाई हैं? नहीं बनाई हैं, क्योंकि हमने एक ही वीडियो बनाई थी जब स्टार्टिंग में आप लोगों का टर्म वन टर्म टू का सिलेबस लॉन्च हुआ था ना CBSE की तरफ से, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी। तो भैया टर्म वन के साथ टर्म टू का सिलेबस भी सारा गिवन था उसमें, इस पे इन लोगों ने 20 से 30 वीडियोस बना दिए एंड लोग देख रहे हैं भाई। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना कि सर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आप लोगों को कंफ्यूज। सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज इन दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस। और अगर आपको दोबारा टर्म टू का सिलेबस, मैं बार बार बोल रहा हूं, छोड़ दीजिए ये देखना। अगर आपने, हम तो वैसे हम सारी CBSE की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, हमें भी नहीं देखना, हमें भी मत देखिए, सीधा CBSE की वेबसाइट पे जाइए सीधा, मैं तो यही बोलूंगा आप लोगों को, साफ सीधी बात। तो अगर आपको टर्म टू के सिलेबस से रिलेटेड कोई भी वीडियो इधर उधर से दिख रही है, छोड़ दीजिए उसको। मैं एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें टर्म टू के सिलेबस का सारा आ जाएगा, जो CBSE की तरफ से नोटिफिकेशन आया था ना सिलेबस के रिगार्डिंग, उसमें आप सारा सिलेबस देख के चल सकते हैं। और यस, इन चीजों से दूर रहिए, मिसलीडिंग न्यूज से दूर रहिए, र्यूमर से दूर रहिए। जो सामने आ रहा है पहले उसके लिए प्रिपेरेशन कीजिए, उसके बाद डेट शीट आएगी उसकी। ठीक है बच्चों, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स,
एंड कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी रिगार्डिंग योर रिजल्ट, सीबीएसई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। एंड ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल सही लगी तो जरूर 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ये वीडियोस देख देख के रिमर्स पर आ रहे हैं, अरे कल आने वाला रिजल्ट, अरे डेटशीट नहीं आने वाली, अरे डेटशीट आ गई, उनको भी ये वीडियो दिखाइए और उनको बताइए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। द स्मार्ट वे To get an information is to visit CBSE की website. ठीक है बच्चों, जल्दी आएंगे, तब तक के लिए happy learning, thank you.